देखिए, भक्ति का फल क्या होता है? किसी को कह दिया जाए कि भक्ति का फल कुछ नहीं होता है तो भक्ति नहीं करेगा, भक्ति को ही छोड़ देगा। और भक्ति का फल सबसे बड़ा यदि बताया जाए कि भक्ति का फल भगवान होते हैं तो संभवतः संसार के सब लोग मान जाएंगे, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन अंतरंग में बैठ करके देखें, गहराई में सूक्ष्म रूप में उसका भाव का अर्थ निकालें तो भक्ति का फल केवल भक्ति है। भक्ति का फल यदि भगवान भी होंगे तो भगवान की प्राप्ति के पश्चात आप भगवान से क्या मांगेंगे? यदि भक्ति का फल भगवान माना जाए तो भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तो भगवान से तो व्यक्ति फिर संसारी मांगेगा। इसलिए भक्ति का फल केवल भक्ति है और भक्ति का फल भगवान के चरणों में अनुराग है। चरणों में अनुराग का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति व्यक्ति से तो मांगता है, चरणों से तो कुछ मांगता नहीं है। जा ही न चाहिए कवाऊ कछ, तुम सन सहज स्नेह। भगवान से सहज स्नेह हो जाए, सहज प्रेम हो जाए, तो भगवान से जब प्रेम होगा तो भगवान को देने की इच्छा होगी, भगवान से पाने की इच्छा नहीं होगी। भगवान से पाने की इच्छा जब तक बनी हुई है तो व्यवसाय है, और भगवान को देने की जब इच्छा है तो भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य भगवान नहीं है, भगवान को कुछ देना है, माने हमारे पास है प्रभु आप इसको स्वीकार कर लीजिए। हमारे पास क्या है? हमारे पास भाव है और आप हमारे भाव को स्वीकार कर लीजिए। और भगवान क्या स्वीकार करते हैं? प्रभु भाव गाहक अति कृपालु सप्रेम सुनि सुख मानहिं, ए भात निज निज मति बिलास मुनि सहरी बखा नहीं। प्रभु भाव गाहक, भगवान भाव लेते हैं और भक्त के पास भाव होता है तो भगवान और भक्त का जो भाव और कृपा है इसी का विनिमय जो है यही भक्ति है। भक्ति का फल न वस्तु है, न पदार्थ है, न ऐश्वर्य है, न प्रशंसा है, न संबंध है। भक्ति का फल केवल भक्ति है और भक्ति का फल जब भक्ति होगा तो भगवान की कृपा और भगवान की का जो प्रेम है वो हमें सहज रूप से मिल जाएगा। और उसका परिणाम होगा कि भगवान से भी मांगने की इच्छा नहीं होगी, भगवान को देने की इच्छा होगी। जय श्री राम।